लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सर्च कमेटी की आज बैठक हो सकती है। हालांकि बैठक को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। सूत्रों के अनुसार कमेटी की बैठक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। बैठक में योग्य शिक्षाविदों के नाम पर भी चर्चा होगी। इस पोस्ट के लिए बड़ी संख्या में शिक्षाविदों ने आवेदन किया है और बैठक के बाद एक नाम कुलाधिपति को भेजा जाएगा। राज्य के 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इन विश्वविद्यालयों के कुलपति के नाम राजभवन भेजे जा चुके हैं। आपको बताते चले, राजस्थान विश्वविद्यालय की सर्च कमेटी की बैठक का इंतजार अब किया जा रहा है। बैठक के बाद एक जो नाम है वो कुलाधिपति को भेजा जाएगा। राज्य के 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आज सर्च कमेटी की बैठक हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ऑनलाइन या फिर जो ऑफलाइन है वो ये बैठक आयोजित की जा सकती है, और फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? जी लवीना, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की जो सर्च कमेटी बनी हुई है उसके लेकर आज जो बैठक है वह आयोजित हो सकती है। सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर यह बैठक हो सकती है, क्योंकि सर्च कमेटी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्रदेश के 7 कुलपति इस बार रिटायर हो रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के, तो उनमें से 6 कुलपतियों के नाम सर्च कमेटी ने राजभवन भेज दिए हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम अभी तक भी राजभवन नहीं भेजा गया है। तो वहीं 10 जुलाई को कुलपति आर के कोठारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज जो कुछ नाम है, 3 नाम है, उनको फाइनल किया जा सकता है और आने वाले 1-2 दिन में जो 1 नाम है वह राजभवन भेजा जा सकता है। तो ऐसे में आज इस बैठक को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। जी ललित, देखिए, बताया जा रहा है कि जो बैठक है उसे पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन संभावित कितना और इंतजार करना होगा कि जब जनता के सामने वो नाम आ जाएगा उसके लिए कितना इंतजार फिलहाल? लवीना, बात करें इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, तो लगातार पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस समर्थित व्याख्याता हैं या जो प्रोफेसर वो लगातार लॉबिंग पेश कर दी थी कुलपति आर के कोठारी को हटाने की। तो ऐसे में बड़ी संख्या में ऐसे प्रोफेसरों ने आवेदन किया है जो योग्यता रखते हैं, तो संभावना ये जताई जा रही है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उसको लेकर कई लोगों ने दावेदारी जताई है। तो अब 10 जुलाई को कुलपति आर के कोठारी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जो नियम है, जो संशोधन है कुलपति को बनाने में, उसके हिसाब से अब कार्यवाह कुलपति नहीं रह सकते। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि 11 या 12 जुलाई तक राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटी को नए कुलपति मिल जाएंगे। जी बिल्कुल ललित, देखना होगा कि आज ये बैठक होती है या फिर नहीं आज ऑर्गेनाइज की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और